कोई अगर किसी को दुख दे रहा है, मार रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें भी हो सकता है उसको मार के रोकना पड़े, तो वो तो पाप नहीं गिना जाएगा, पर मारा तो हमने है उसको। ऐसा है, जिसको मारा उसको तो दुख तो होगा ना बहन जी, दुख हुआ उसका आपको पाप लगेगा, और जिसको मार बचाया आपने उसका पुण्य लगेगा। दोनों सेपरेट है, प्लस माइनस नहीं है कि एक लगेगा और दूसरा नहीं लगेगा, ऐसा भी तो नहीं है। समझ में आया ना? आप है तो खेत में बी डालते हो, गेहूं के भी डालते हो, तो साथ में गेहूं के साथ साथ एरंडे का भी बीज चले जाता है, तो क्या वो छोड़ेगा? आपको पता नहीं है, लेकिन आपने तो डाला, मैंने तो भावना की थी, अच्छा मुझे तो गेहूं का ही करने का था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी गिर गया, तो वो फल देगा, छोड़ेगा तो नहीं। गेहूं का भी फल मिलेगा और इसका भी फल मिलेगा, अलग अलग सा होता है। और कुदरत तो ये नहीं देखती है कि आपका क्या, आप मार, आपके पास कुछ ऐसा तरीका नहीं था, आपके पास ऐसा पॉजिटिव पावर नहीं था ताकि आप बगैर मारे ही उसको बचा सको, नहीं था, इसलिए आपको मारना पड़ा। तो उतनी आपकी वीकनेस है, हो सकता था शायद आप उसको समझा के प्रेम से कुछ और तरीके से उसको बचा ले। यहाँ तो एग्जैक्ट न्याय है, कुदरत का कानून है, इसमें जरा भी गड़बड़ नहीं चलती है। जितना गलत हुआ उसका भी उतना ही फल मिलेगा, और अच्छा किया उसका भी उतना ही फल मिलेगा, उसमें से कुछ कम ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, कोई है ही नहीं करने वाला कम का और ज़्यादा, आपका हिसाब आपको ही मिलता है, इसमें कोई बीच में हाथ नहीं डालता है, कोई डालने वाला ही नहीं है, किसके हाथ में सत्ता ही नहीं है। आपके आपसे हुआ एक्शन उसका रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, इसी के कर्म का सिद्धांत है, सिंपल। आपकी ओर से जो भी कुछ हुआ उसका फल आपको ही मिलता है, कोई देने वाला, फल देने वाला भी नहीं है, और कम ज़्यादा करने वाला भी नहीं है, और प्लस माइनस करने वाला भी नहीं है। आप जिसको बचाते हैं उसके लिए आपको, उसके लिए प्रति आपको करुणा तो नहीं, दया होगी, राग होगा, और जिसको मारोगी उसके लिए कितना द्वेष होगा। तो आप तो उस दोनों में फंस गए, वितरागता से अगर आप कुछ कर सकते थे तो और बात बनती थी, कर्म ही नहीं बंधा जाता था, लेकिन दोनों के साथ आपने हिसाब तो बांधा, इसके साथ राग का बांधा और उसके साथ द्वेष का बांधा, और अपने खुद अंदर पाप और पुण्य दोनों भी बांधा, ये सारा हिसाब एट ए टाइम बंधा जाता है और वो छोड़ता नहीं है, फिर उसका हिसाब आपको, आपसे वसूल तो होता ही है, कुदरत ही करती है।